दिस ललन टॉप वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय याकुल्ट। याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्ते, आप देख रहे हैं दी ललन टॉप, मैं हूं सोनाली। मशहूर फिल्म एक्टर हैं रणवीर शोरी। अब खोसला का घोसला जैसा कंटेंट ड्रिवन सिनेमा से लेकर एक था टाइगर जैसी मसाला फिल्मों का रणवीर हिस्सा रह चुके हैं। रणवीर सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। उनका अपना पॉलिटिकल अलाइनमेंट भी है जिसकी वजह से वो चर्चा में बने रहते हैं। इन दिनों उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है। इस ट्वीट में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ गाली लिख दी। हालांकि वो गाली पीएम के लिए नहीं थी, मगर लोग इस ट्वीट में इस्तेमाल हुई अमर्यादित भाषा को सेलिब्रिटी स्टेटस का दुरुपयोग मान रहे हैं। रणवीर के इस ट्वीट का स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे ये ट्वीट सोशल मीडिया पर आया ना, पब्लिक दो फाड़ हो गई। कुछ लोग रणवीर के राजनीतिक झुकाव का समर्थन कर रहे थे, बाकी जो लोग हैं उनकी भाषा को लेकर बातें करने लगे। लोगों का कहना है कि रणवीर शौरी एक सेलिब्रिटी हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर ढेर सारे लोग फॉलो करते हैं, इसमें हर उम्र के लोग भी शामिल हैं। ऐसे में एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर गालियों का इस्तेमाल करना गलत है। सेलिब्रिटी होना बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि लोग आपको सिर्फ सोशल मीडिया पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी काफी फॉलो करते हैं। लोगों को लगेगा कि रणवीर शौरी जैसा जो सेलिब्रिटी है जब सोशल मीडिया पर गाली लिख सकता है तो हम क्यों नहीं। और कमाल की बात यह कि रणवीर ने न सिर्फ आपत्तिजनक भाषा में पोस्ट किया, जितने भी लोगों ने उन्हें भाषा सुधारने की बात कही या किसी भी तरह से उन्हें क्रिटिसाइज किया ना, तो रणवीर ने उन्हें भी बड़े बुरे तरीके से जवाब दे दिया। अब ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने गाली गलौज भरी भाषा का इस्तेमाल किया हो, वो इस मामले में हिस्ट्री शीटर रह चुके हैं। इस ट्वीट को करने के बाद रणवीर को लगा कि उन्होंने बड़ी फनी बात बोल दी। अपनी ही तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए वो लिखते हैं, मेरे अंदर भी छुपा मीमर है ब्रोज। जब लोगों ने उनके पॉलिटिकल अलाइनमेंट को लेकर बातें शुरू की तो रणवीर ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा, मुझे दोष मत दीजिए, सारी गलती ऑपोजिशन की है जिनके पास इस देश को देने के लिए कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं है। 2014 से उनका एक ही एजेंडा रहा है, मोदी के प्रति नफरत। जब सोशल मीडिया पर गाली भरी भाषा का प्रयोग करने पर जनता ने रणवीर को आड़े हाथों लिया, तब उन्होंने आज सुबह ट्वीट करते हुए कहा, गुड मॉर्निंग, मैं कैप्शन के लिए बेहतर भाषा का प्रयोग कर सकता था, उसके लिए माफी, मैंने सबक सीख लिया है। रणवीर ने अपने करियर की शुरुआत 2002 में आई एक छोटी सी लव स्टोरी इसी नाम की फिल्म से की थी। आगे वो जिस्म, लक्ष्य, नो स्मोकिंग, तितली और सोन चिरैया जैसी फिल्मों में भी नजर आए हैं। ये खबर आपके लिए लिखी है हमारे साथी श्वेतांक ने, मैं हूं सोनाली। और हाँ, एक जरूरी ऐलान, दी ललन टॉप टीम और हमारे संपादक सौरभ द्विवेदी ये जानने और बताने पहुंच चुके हैं क्या हाल है यूपी। तो उनकी इस यूपी यात्रा में आप भी जुड़िए। कैसे जुड़ सकते हैं? हमारा नया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके, जो है ललन टॉप यूपी के नाम से, जिसका लिंक आपको मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। शुक्रिया।